बुधवार शपथ ग्रहण अनुष्ठान पर राज्य अतिथिशाला त्रिपुरा मोर्चा दल सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देव वर्मन साथे गुरुत्वपूर्ण बैठक करें केंद्रीय स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह, बीजेपी सर्वभारतीय सभापति जे. पी. नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा सह आरो अन्यान्य केंद्रीय दलेर नेतृत्वरा। बैठक शेषे संबाद माध्यमेर मुखोमुखी हये प्रतिक्रिया व्यक्त करें महाराजा नर्थ ईस्टर बीजेपी दलेर कोअर्डिनेटर सम्बित पात्रा। तिनि बोलेन जोटेर ब्यापारे त्रिपुरा मोर्चा दल सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर देव वर्मनेर साथे कोनो कथा हयनि, साधारण विषय निये कथा हयेछे, उपजाति कल्याण निये आलोचना करा हयेछे, किभाबे राज्येर उपजाति सम्प्रदायेर उन्नयन करा जाय जोटेर क्षेत्रे कोनो आलोचना हयनि बोले स्पष्ट जानिये दियेछेन सम्बित पात्रा। आज त्रिपुरा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जे. पी. नड्डा जी, माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आसाम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा जी के साथ वो माताबाड़ी गए। वहाँ उन्होंने माता त्रिपुर सुंदरी जी का दर्शन किया और माँ का आशीर्वाद मांगा है कि जो त्रिपुरा के 40 लाख निवासी हैं उन सबका कल्याण हो, सरकार को शक्ति प्रदान हो और सरकार अच्छा काम और जल कल्याणी काम करने में सक्षम रहे, यही आशीर्वाद आज माँ से मांगा है। उसके पश्चात आईपीएफटी की जो वरिष्ठ नेता हमारी जयंती देबबर्मा जी हैं, वह सुपुत्री हैं पूर्वतन नेता स्वर्गीय श्री एन. सी. देबबर्मा जी की बेटी हैं, चुनाव भी लड़ी थी। उनसे आदरणीय गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी की मुलाकात हुई, सीएम साहब की भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में, इस भेंट वार्ता में किस प्रकार से आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सदृढ़ रूप से काम कर सके, त्रिपुरा के उन्नयन के लिए, त्रिपुरा के उन्नति के लिए काम कर सके, इस विषय पर एक बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। साथ ही आज महिला दिवस भी है, तो एक खुशखबरी आप सबके लिए है कि दो जनजातीय महिलाएं, आदरणीय जयंती देबबर्मा जी जो आईपीएफटी से लड़ी थी चुनाव, हमारे गठबंधन की पार्टनर है, और बीजेपी से हमारी दूसरी जनजाति बहन पाताल कन्या जमातिया जो चुनाव लड़ी थी आशाराम बाड़ी से, कुछ वोटों से रह गई, उन दोनों को एमओएस का रैंक दिया जाएगा निगम अपने किसी बोर्ड में, निगम बोर्ड में, और दोनों हमारी जनजातीय बहनों को शक्ति प्रदान करके किस प्रकार से वो और काम कर सके, आज महिला दिवस के दिन यह निर्णय भी पार्टी ने लिया है दादा। इसके साथ साथ मोथा जो यहाँ की लोकल पार्टी है, मोथा के नेता श्री प्रद्युत जी के साथ भी मुलाकात हुई है, उनके भी कुछ शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जे. पी. नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आसाम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी और त्रिपुरा के सीएम श्री माणिक साहा जी के मौजूदगी में एक बैठक चली है, जिस बैठक में जनजातीय विषयों पर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर डिस्कशन किया गया कि क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे जनजातीय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर। इन सब विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आईपीएफटी बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खबर त्रिपुरा।